नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मंडियों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सही और समय पर मिल सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, उन लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिनांक 9 अप्रैल 2023 दिन रविवार। दोस्तों, मंडियों में लंबे अवकाश का आज आखिरी दिन। कल यानी 10 अप्रैल 2023 सोमवार से सभी मंडियों में अपने समय अनुसार नीलाम कार्य चलेगा। प्यारे किसान भाइयों, आप लोग अपनी उपज लेकर मंडियों में आ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे हफ्ते मंडियों में कोई अवकाश नहीं है। 10 अप्रैल से 15 अप्रैल यानी सोमवार से शनिवार तक मंडियां बराबर चलेगी। दोस्तों, रतलाम और नामली मंडी में जगह की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपनी उपज लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, कल 8 अप्रैल को नीमच मंडी चालू थी, वहां लहसुन के भाव में 2 से 3 रुपए की मंदी देखी गई। मंदी का यही कारण रहा दोस्तों कि सोमवार से सारी मंडियां खुलेंगी और आवक बहुत अधिक आने का अनुमान है। तो सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि आवक अधिक रहती है तो भावों में कुछ फर्क पड़ सकता है। बाकी कल देखते हैं क्या होता है। अंत में एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और धीरे धीरे हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।